नमस्कार। आज की इस अंतिम कड़ी में पिछले 11 भागों में उठाई गई समस्याओं की तरफ फिर से आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। आपने देखा इन समस्याओं का हल है। जरूरत है हरिया की तरह पढ़ लिख कर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की, जागरूक होने की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखिए। आपके विचार और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। हमारा पता है, निदेशक प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, 10 जामनगर हाउस, नई दिल्ली 110011। और कितने काम हैं जो अभी अधूरे, जिनको पूरा करने के लिए समय चाहिए और लोग चाहिए। बस्ती का सुधार, लोगों का दुख सुख, बड़ी बड़ी समस्याएं। इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हमें अपने ऊपर विश्वास हो, काम करने की चाह हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने के लिए सही हाथ हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ। बड़ी बढ़िया बात कही चौधरी साहब ने कि काम तभी हो सकता है कि जब काम करने वाले हाथ सही हो। वाह, आप सब लोग जानते हैं कि वो हाथ कौन है। कौन है वो जो हमारे लिए और बस्ती वालों के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहता है और नाम क्या बतलाऊं उसका, नाम में क्या रखा है, काम बतलाता हूं। बस्ती की फैलती हुई गंदगी, मिलावट का सामान, सीवर के ढक्कनों का चोरी होना और समय समय पर बस्ती वालों की सहायता करते रहना। अरे भाषा नहीं देते रहोगे, नाम भी बताओगे, वो है कौन? बताता हूं उसका नाम, और वो हाथ है हरिया। हरिया है वो जिसने बस्ती की गंदगी से लेकर, और गंगू को आप लोग भूल गए, कितना मुंह चढ़ा रखा था उसको, काम धाम कुछ नहीं। जरा जरा सी बात पे बस्ती वालों से जबान लड़ाना, तुझे मालूम है सरकारी काम में बाधा डालना अपराध है। सरकारी? अभी तक ये काम सरकारी नहीं था, चेयरमैन का नाम सुनते ही सरकारी हो गया। देखता हूँ कौन हाथ लगाता है कुत्ते गिलास को। अब आ रहा है पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह। बस्ती वालों की एक ही बीमारी है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं सरकार चोर कर्मचारियों को किस तरह दंड देती है। जो काम चोर हैं उन्हें दंड दिया जाएगा, लेकिन पहले हम वो करें जो आवश्यक है। वेरी गुड, तो चलें। यस सर। रुपया पैसा खर्च करके अपना मिलावट वाला सामान हम लोग खरीदते थे, याद है आपको? किस तरह से शिकायत करके शंभूलाला के खिलाफ हरियाणे हम लोगों को मिलावट का सामान खरीदने से बचाया। चौकी में जाके बंद करवा दे, हथकड़ी लगवा दे हमारे। अबे जा। ठीक है लाला। ये कहते हो भैया, हम जहाँ तक हो सकता है मिलावट करने वालों या मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, मगर भैया जनता को भी तो अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। हाँ, अगर लोग किसी को मिलावटी सामान बेचता हुआ पाए और हमें सूचना दें तो हम इसी तरह तुरंत कार्रवाई करते हैं, और इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं। हाँ, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना तो हमें सीखना ही होगा। बुराई के खिलाफ तो हम सबको आवाज उठाना ही चाहिए, आखिर अपने पैसों से हम अपने लिए जहर क्यों खरीदें। औरों की बात जाने दो भैया, मैं आप बीती सुनाता हूँ। घर में पहला लड़का हुआ था, बिरादरी में नाक ऊंचा रखने का भूत सवार था मुझ पर। झूठा दिखावा करने के लिए लाला से ब्याज पर रुपया लिया,
रुपया क्या लिया, मुसीबत मोल ले ली। इस रोशन भी कमाल का आदमी है। अरे अच्छी खुराक की जरूरत उसकी बीवी को है ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे और बच्चे को भी माँ का अमृत जैसा दूध मिल सके। लेकिन ये है कि छठी में ऐसा खोया है कि बीवी बच्चों को बिल्कुल ही भूल गया। इतनी कोशिश की पर ये लोग फिर भी खुश नहीं हुए, सब कुछ बेकार गया। वो तो भला हो हरिया भैया का कि मेरे बैल और खेत मुझे वापस मिल गए। पल्लू छोले वाले को तो आप सभी जानते हैं कि बासी और खुले छोले बेचता था। खुले और बासी छोले एकदम जहर बन गए इसके लिए। तो अब क्या डॉक्टर साहब? घबराओ मत, मैं इसका पेट साफ किया देता हूँ। अपने बबुआ की बात तो संभल गई, मैं कर लूँ उनका क्या होगा जिनको तूने आज छोले बेचे। अरे हरिया भैया सौगंध ले लो, अरे मेरे बबुआ की सौगंध ले लो, बोनी भी नहीं हुई थी कि चापा पा गया। अब तो समझ में आ गई होगी ना कि खुली हुई और बासी चीजें खरीद कर खाना जान तक ले सकती है। बस्ती में सीवर नहीं थे, सारी बस्ती सड़ रही थी। वो तो हरिया भैया ने लिखित शिकायत करी और सीवर लगवाए, हम में से कुछ लोगों ने चोरियां करी। ले अब आराम से धोती रहे कपड़े। पहले चोर तो हम ही आ रही है भैया, अब जो चाहे सजा उनका दे लो। लेकिन लेकिन अब हम फैसला कर लिए हैं कि अपने फायदे के लिए हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हरिया भैया। काली देख, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तो भाइयों अब तुम ही सोचो कि इस बस्ती का सरपंच किसको होना चाहिए। भाइयों मैंने जो कुछ भी किया बस्ती या बस्ती वालों के लिए वो इसलिए नहीं किया कि एक दिन चौधरी बनूं या सरपंच बनूं बस्ती का। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया था, क्योंकि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, इज्जत मिलती है, प्रेम मिलता है आप सब लोगों का। गाँव से शहर आया था सुंदर सपने लेकर, लेकिन शहर आकर मिला क्या, वही बस्ती। भाइयों गांव के खुले खुले मकान और ताजी हवा छोड़कर गांव वाले शहर आते हैं, उन्होंने क्या मिलता है, झुग्गी झोपड़ी, बसों की लाइन में भीड़ में धक्के, मिलावट की चीजें, नशे की धत। भाइयों मैंने अपने वापस गांव जाने का फैसला कर लिया है। क्या? मैं परसों अपने गांव जा रहा हूं। लेकिन भाइयों मेरी आपसे एक विनती है, भाइयों आप मेरी बात सुनिए, मेरी केवल आपसे इतनी विनती है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना पढ़ लिख लो कि अच्छे बुरे का फर्क करने लगो, और कोई भी काम करो तो काम करने से पहले ये सोच लो कि बस्ती का कितना उसमें फायदा है। भाइयों मेरी आपसे एक विनती और है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे मुझे क्षमा कर देना भाइयों, क्षमा कर देना। अपनी बस्ती अपने लो, अपनी
गलियां अपने रास्ते, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपना चैन है अपने दुख सुख, अपने हैं समान।